हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। सीडीएस 2 2023 का एग्जामिनेशन सितंबर 3 को है। अब में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटजीज और एनालिसिस करके दे दीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा करंट अफेयर्स और डिफेंस अफेयर्स के लिए, किस तरीके से आप उन्हें इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी करके मैं आपको बता दूंगा कि किस एरिया से टॉपिक्स किस तरीके से आ रहे हैं और आपको कहां पर ज़्यादातर एम्फोसिस देना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट करता है और यहाँ पर आपके एंट्रीज होते हैं फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। और यहाँ पर 3 पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, एक इंग्लिश हो गया, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए ही एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के 2 पेपर्स आपके लिए सेम ही होंगे। तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट से डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 17th of May और एप्लीकेशन भी उसी दिन स्टार्ट हो चुका है 17th of May। आखिरी दिन आपका था 6 जून 2023। एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बताया 3rd of September 2023 संडे के दिन होगा, तो उसके लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले यूपीएससी आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज करता है। आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसा ही एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे upsc.gov.in हम आपको अपडेट उसके बारे में देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपके रिजल्ट्स अक्टूबर या नवंबर के महीने में आ सकते हैं। 3 पेपर्स आपके यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, एक तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हो गया, दूसरा इंग्लिश का हो गया, तीसरा जनरल नॉलेज का हो गया। अब मैं आपको मार्किंग की स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। इंग्लिश का पेपर अगर आप देखेंगे तो 120 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होगा। तो 120 MCQs होंगे टोटल 100 मार्क्स के लिए, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 0.83 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.27 मार्क्स आपके चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का झमेला है, बड़े ध्यान से आपको मार्क करना पड़ेगा। जीके सेक्शन की अगर मैं बात करूं जीके पेपर की, तो 120 MCQs यहां पर भी 100 मार्क के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 0.83, रॉन्ग आंसर के लिए -0.27 आपका कट जाएगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर अगर आप OTA के लिए देना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, IMA के लिए एंट्री के लिए चाहिए तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 100 MCQs ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 100 मार्क के लिए ही है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क मिलेगा और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी कि सितंबर 3 को आप 340 MCQs आप फेस करेंगे फॉर 300 मार्क्स। जीके जीएस की अगर मैं सिलेबस करूँ, जीके पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं और ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट एंड डिफेंस अफेयर्स, ये प्रॉबेबली आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके जीके जीएस के सिलेबस में है। पिछले 5 साल के ट्रेंड्स अगर हम देखें तो रफली कितने एमसीक्यूज हैं वो किस एरिया से आए हुए हैं, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिजिक्स में 9 से 12 एमसीक्यूज आते ही रहते हैं, केमिस्ट्री में 8 से 11, बायोलॉजी 9 से 11, ज्योग्राफी में सबसे हाईएस्ट आते हैं 21 से 25 एमसीक्यूज, हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट 20 से 24 एमसीक्यूज आते हैं, पॉलिटी में 14 से 20 एमसीक्यूज आ जाते हैं, इकोनॉमी में 8 से 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं और करंट एंड डिफेंस अफेयर्स में से 13 से 18 एमसीक्यूज हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटजीज, एनालिसिस वगैरह अपलोड किया हुआ है, स्टडी प्लान्स भी अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें एक बार जरूर देख लें। तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस अगर हम देखें तो 2023 में पूरे 26 क्वेश्चंस आए हुए थे सिर्फ करंट अफेयर्स के सेक्शन में से, और पिछले 5 साल के आंकड़े देखो लगभग 21, 17, 19, 17, 16, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस बढ़ चुका हुआ है करंट अफेयर्स का। करंटली किंग मेकर अगर मैं बताऊं तो करंट अफेयर्स ही है सीडीएस एग्जामिनेशन का, और इसी के चलते एक्सपेक्ट अगर हम करें तो 18 से 20 एमसीक्यूज तो आसानी से करंट अफेयर्स से आ ही जाएंगे, जो कि आपके लिए 15 से 16 मार्क्स दिलाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी पहले बता दूं। देखिए वैसे तो डेली हमारे लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल होते ही रहते हैं, 8 से 9 बजे डेली करंट अफेयर्स, 9 से 10 बजे डेली डिफेंस अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स आपको लेक्चर भी देते हैं, उसका PDF और MCQs भी प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट्स द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस आप ले लीजिएगा, और साथ ही साथ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी फॉलो करते रहिएगा। अब स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि करंट अफेयर्स भी कवर हो और सब्जेक्ट भी कवर हो। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स में आपको क्या मिल सकता है उसके बारे में बताऊंगा। पॉलिटी सब्जेक्ट ले लीजिएगा, कौन से करंट अफेयर्स आपको कवर करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो। मैं रिसेंटली एग्जांपल अगर दे दूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की फुल चर्चा चल रही है,
तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ें, क्या है ये, इसका जेनेसिस क्या है, और आर्टिकल 44 के बारे में भी तो पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपके कवर हो रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू इंट्रिंसिकली कनेक्ट इट विद कनेक्ट द डॉट्स एंड रीड, तभी आप जो है ना सक्सेसफुल हो जाएंगे। स्मार्ट वर्क दरअसल इसी को ही कहते हैं। या फिर मान लीजिएगा रिसेंटली जो सेम सेक्स के ऊपर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, जाइएगा सोचिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14-15 किस राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 21 के बारे में पढ़िएगा तो यहाँ पर करंट अफेयर्स भी आपके कवर हो जाएंगे, पॉलिटी का सब्जेक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। तो कौन से पॉलिटी के टॉपिक्स ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड, बिल्स एंड एक्ट्स जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से आए हैं उनके बारे में, गवर्नेंस के अगर कोई इश्यूज हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में। अभी जो मैंने कहा ना सेम सेक्स मैरिज वो फंडामेंटल राइट्स से ही जुड़ा हुआ है। सोशल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, अभी 50th काउंसिल हुई है, जीएसटी की बैठक हुई है, तो उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए हैं, स्लैब रेट्स कौन से चेंज हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह क्या क्या हो रहे हैं, एससी एसटी के राइट्स के बारे में देखो, कोऑपरेटिव इश्यूज वगैरह। तो ये पॉलिटी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी होगी करंट अफेयर्स के लिए। इकोनॉमी देखिए, ज्यादातर जो इकोनॉमी का सेक्शन है मैंने उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड इकोनॉमी के क्वेश्चंस कम, करंट अफेयर्स और डायनामिक रिलेटेड इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो कौन से वो सेक्शंस है इकोनॉमी में जो कि करंट अफेयर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो कोई भी न्यूज है उसे आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा, वैसे भी आपको डेली करंट अफेयर्स में ये होता ही होता है। साथ ही साथ कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंडिसेस अगर रिलीज किया हुआ हो वहाँ पर इंडिया का रैंकिंग और उस रैंकिंग के सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में जान लीजिएगा। बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के इश्यूज हो गए, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन जैसे टर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सभी चीज़ों के बारे में जान लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये मान लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, रिटेल जो इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर वो किस तरीके से है, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया और उसके ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह कुछ हो गए, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर खासकर ट्रेड वगैरह को लेकर, जैसे कि WTO हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस होगा अगर कोई MOU साइन किया गया है या फिर लोन वगैरह यहाँ पर हमें सैंक्शन देखने को मिला हुआ है। अब एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का, खासकर वो बहुत ही जरूरी है। एक तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी रिलेटेड न्यूज़ है ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी थ्रेटेंडेड स्पीसीज वगैरह, IUCN के एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह, मेजर बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गए, ओजोन डिप्लीशन, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाला है UAE दुबई में, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप एनवायरनमेंट में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी रामसार साइट, वेटलैंड साइट अगर अनाउंस किया गया तो उसे भी आप थोड़ा बहुत कवर कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, इसरो DRDO मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कुछ चल रहा है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसरो वालों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मंगलयान, गगनयान, ऐसा कोई भी अगर स्लॉट है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लीजिएगा। स्पेस मिशंस वगैरह इंपॉर्टेंट हमारे क्या कुछ हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडियन ने साइंस को क्या क्या दिया, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो 5G 6G का पूरी तरीके से चर्चा चल रहा है। रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी ने भी क्लियरिफाई किया कि 200 से भी ज्यादा पेटेंट राइट 6G टेक्नोलॉजी के इंडिया के हाथ में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कवर करंट अफेयर्स एज वेल एज साइंस एंड टेक। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, मोदी जी जहां आ गए उन्हें कवर करो। ऑलरेडी करंट अफेयर्स के चैनल पर मैं आपको इन डिटेल देते रहता हूं वीडियो। मोदी जी अमेरिका गए, अमेरिका के की हाईलाइट और टेक अवेज। मोदी जी इजिप्ट गए, वहां पर क्या क्या है। फ्रांस गए, वहां पर क्या क्या MOU साइन हुए। UAE जाके आए, वहां पर क्या क्या हुआ। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UN या फिर उसके अलग अलग एजेंसीज वगैरह, और जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपको डायरेक्ट सवाल वहां से पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नेशनल हेरिटेज साइट, मॉन्यूमेंट्स, कंजर्वेशन के इफेक्ट्स हुए हैं, नेशनल फेस्टिवल्स वगैरह, रीजनल फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म, पेंटिंग वगैरह, अगर कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने कुछ नया एक्सकवेशन किया हुआ हो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी का जितने भी मिसेलिनियस है, जैसे कि सरकार के अलग अलग स्कीम्स जो डिफरेंट सेक्टर्स में लॉन्च किए गए हैं, सरकार के पॉलिसीज हो गए, इनिशिएटिव्स हो गए, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और एनुअल बजट, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इकोनॉमी के सेक्शन को भी कवर करेगा और करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी ये आसानी से कवर करेगा। बस इतना आप देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कवर है। अब आप देख सकते हैं कि 20 से 26 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस सेक्शन में से देखने को मिल रहे हैं। और डिफेंस स्पेसिफिक थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल का एनालिसिस देखो तो 5 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। देखो
CDS 1 में 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और ये ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, वो 3, 5, 7, 9, तो गोइंग थ्रू द सेम ट्रेंड इस साल भी 5 से 8 क्वेश्चंस डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर से आ ही जाएंगे जो कि 4 से 6 मार्क्स आपको आसानी से ला कर देंगे। क्या है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी अपने करंट डिफेंस करंट अफेयर्स के लिए? इंपॉर्टेंट मिलिटरी डील्स क्या क्या हो रहे हैं, भारत सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कुछ प्रोक्योरमेंट किया है, रैंक्स और कमांड्स हमारे ट्राई सर्विसेज में, अगर कुछ नया अपॉइंटमेंट्स भी हुआ है तो उनके बारे में भी, इंटरनेशनल आर्म्स डील क्या कर रहे हैं, ट्रीटी क्या कर रहे हैं, अब तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, नाटो पूरी तरीके से लॉबी करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो वहां पर मिलिट्री एड क्या दिया जा चुका है, क्या कुछ वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफेंस के फील्ड में जो कुछ MOUs और इंडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पर क्या क्या है उसके बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनल जियोपॉलिटिक्स वगैरह क्या क्या हो गए, बॉर्डर के इश्यूज हो गए, रेजोल्यूशन क्या क्या है मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म क्या है रेजोल्यूशन के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके इंपॉर्टेंट से जो कोई भी डिसीजंस है, जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अगर कुछ प्रोक्योर किया हुआ है तो उसे भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन और SSB में भी आपके लिए काम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स। चंद इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है कि हर सेपरेट सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड नोटबुक रखने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पर ही रुकिएगा। 70-80% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिविजन और प्रैक्टिस ही करते हैं, वो आपको बताते नहीं है बस। कोई भी डाउट हो बच्चों, राइट टू अस support@ssbcrackexams.com, हमारे डिफेंस काउंसलर्स और ट्यूटर्स आप तक पहुंच जाएंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास CDS एग्जामिनेशन से रिलेटेड फुल फ्रेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट क्विज, कई सारी चीजें हैं बच्चों, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक SSB ऑनलाइन इंटरव्यू, NDA, AFCAT, टेरिटोरियल आर्मी, MNS एंड मेनी मोर सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।